दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की कल्चर की। राजस्थान की कल्चर में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के जनजातीय नृत्यों के बारे में। आज चर्चा करेंगे जनजातीय नृत्यों में भी हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, आज कौन सी जनजाति के नृत्य पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रास्य जनजाति के नृत्य। तो पहली बात तो यह है कि ग्रास्य जनजाति किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है। आपसे पूछ लिया जाए तो उसका क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा क्षेत्र है, सिरोही व गोडवाड क्षेत्र व घूमर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, ग्रास्य जनजाति निवास करती है। तो ये सर्वाधिक आपसे पूछ लिया जाए, सर्वाधिक कहां पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति में आपको पढ़ाएंगे तब ये सभी पढ़ाया जाएगा। सर्वाधिक कहां पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है। कहां, सिरोही में सर्वाधिक पाई जाती है। सिरोही क्षेत्र पूछ लिया जाए तो एक तो गोडवाड क्षेत्र व घूमर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, इसका क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, क्षेत्र पूछ लिया जाए तो गोडवाड व घूमर क्षेत्र के अंतर्गत ये जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र, गोडवाड क्षेत्र और घूमर क्षेत्र में और सिरोही क्षेत्र में ये सर्वाधिक निवास करती है। इनपे इसका एक नक्की झील मैंने आपको पढ़ाई थी तो वहीं पे एक मेला बताया था कि कौन सा मेला पड़ता है। पीछे भी दोस्तों मैंने दो आपको क्वेश्चन दिए थे, जैसे धाकड़ जाति के लोग किस कहाँ सर्वाधिक रहते हैं, तो धाकड़ जाति के लोग कौन से आंदोलन में सर्वाधिक भाग लिया था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं वालरा नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। वालरा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है और कौन इसे करने का काम करते हैं। तो वालरा नृत्य ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये तो आपको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम किस जनजाति के नृत्य पढ़ रहे हैं, ग्रास्य जनजाति के नृत्य पढ़ रहे हैं। तो वालरा नृत्य ग्रास्य जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ग्रास्यों की क्या कहते हैं। तो लिखो दोस्तों, इस नृत्य को ग्रास्यों की घूमर कहते हैं, ग्रास्यों की घूमर कहते हैं, घूमर कहते हैं। तो ग्रास्यों की घूमर किसे कहते हैं, वालरा नृत्य को कहते हैं। ये किस प्रकार का नृत्य है, यह युगल प्रधान नृत्य है, यह युगल प्रधान, यह युगल प्रधान नृत्य है, युगल प्रधान नृत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, स्त्री व पुरुष मिलकर करते हैं। पुस्तक में लिख लो दोस्तों, स्त्री व पुरुष मिलकर करते हैं, मिलकर करते हैं। यह अर्ध वृत्ताकार गति से किया जाने वाला नृत्य है और किस प्रकार से किया जाता है, धीमी धीमी गति से के लिए प्रसिद्ध युगल प्रधान नृत्य है। तो लिखो, धीमी गति से किया जाने वाला युगल प्रधान नृत्य है, धीमी गति से किया जाने वाला युगल प्रधान नृत्य है, मतलब स्त्री और पुरुष एक अर्धवृत्ताकार गति से ये धीमी धीमी गति से मिलकर जो नृत्य करते हैं उसे कौन सा नृत्य करते हैं, वालरा नृत्य करते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, यह बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। और ये कई बार पेपर में आया हुआ है कि बिना वाद्य यंत्र से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वालरा नृत्य है। यहीं पे मोस्ट लगा लेना, स्टार लगा लेना, क्योंकि ये कई बार ग्राम सेवक में भी आया था, पटवारी में भी आया था, अभी लेटेस्ट में सेकंड ग्रेड लगी थी उसमें भी आया था और रिट की पात्रता में भी ये क्वेश्चन आया था। ये बिना वाद्य यंत्र से किया जाने वाला एकमात्र जो नृत्य है वो वालरा नृत्य है। ठीक है, एक नृत्य और है, वो भी किसका है, ग्रास्यों का ही है। तो ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसमें पुरुष जो लोग होते हैं वो हाथ में छत्ता व तलवार लेकर नृत्य करते हैं। तो लिखो दोस्तों, इसमें
इसमें पुरुष पुरुष हाथों में छत्ता वह तलवार तलवार लेकर नृत्य करते हैं लेकर नृत्य करते हैं करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए किस नृत्य में पुरुष अपने हाथों में तलवार व छत्ता लेकर नृत्य करते हैं, तो वालरा नृत्य में के जो लोग हैं वो हाथों में तलवार व छत्ता लेकर ये नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मादल नृत्य। मादल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आपसे एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो किस जनजाति द्वारा? ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये किस प्रकार का नृत्य है, ये नृत्य क्या है? स्त्री प्रधान नृत्य है। तो लिखो दोस्तों, यह है स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान प्रधान नृत्य है, नृत्य है। इसको इस नृत्य को करने का काम कौन करती है? स्त्री करती है, इसलिए ये क्या हो गया, ये एक स्त्री प्रधान नृत्य हो गया। इसका वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो मादल प्रकार के वाद्य यंत्र का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसमें वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए कौन सा वाद्य यंत्र कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए तो मादल है। मादल प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मोरिया जो नृत्य है, मोरिया नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है और क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये युवा के अवसर पर गणपति स्थापना करते हैं, उस समय ये ग्रास्य जनजाति के लोग ये नृत्य करते हैं। कौन सा? मोरिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, पुरुष प्रधान नृत्य। तो लिखो दोस्तों, विवाह के अवसर पर, यह है विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के समय, गणपति स्थापना के समय, स्थापना के समय किया जाता है, समय किया जाता है। तो गणपति स्थापना के समय कौन सा नृत्य किया जाता है ग्रास्य जनजाति के द्वारा? विवाह के समय गणपति की जो स्थापना करते हैं उस समय मोरिया जो नृत्य है वो ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इससे भी करने का काम कौन करता है, यह किस प्रकार का, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, यह किस प्रकार का नृत्य है, पुरुष प्रधान प्रकार का क्या है नृत्य है। तो अभी तक हमने ग्रास्य जनजाति के कितने नृत्य पढ़े हैं, 3 नृत्य पढ़े हैं। उसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। बात करते हैं ग्रास्य जनजाति, ग्रास्य जनजाति सर्वाधिक सिरोही क्षेत्र में रहती है, और बात करते हैं क्षेत्र की तो गोडवाट व घूमट क्षेत्र में ग्रास्य जनजाति निवास करने का काम करती है। और इसका प्रसिद्ध जो मेला है वो नक्की झील में बढ़ता है, जो जहां पर ये ग्रास्य जनजाति के लोग हैं अपने पूर्वजों की क्या करते हैं, अस्थियों का भी विसर्जन करने का काम करते हैं। इसीलिए माउंट आबू जो स्थान है, जो नक्की झील का स्थान है, उसे क्या कहते हैं, ग्रास्यों का हरिद्वार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं वालरा नृत्य। वालरा नृत्य क्या है, इस नृत्य को ग्रास्यों की घूमर कहा जाता है। तो आपसे सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए ग्रास्यों की घूमर किसे कहते हैं, तो ग्रास्य की घूमर किसे कहते हैं, वालरा नृत्य को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार का नृत्य है, ये भी आपसे कई बार क्या कहीं बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल प्रधान नृत्य नहीं है, तो उसमें 3 नृत्य दे दिए जाते हैं और एक नृत्य युगल प्रधान नहीं होता है। तो ये किस प्रकार का नृत्य है, यह युगल प्रधान नृत्य है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर क्या करते हैं, नृत्य करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें धीमी गति से किया जाने वाला एक युगल प्रधान नृत्य, यह बहुत मंद मंद गति के साथ क्या किया जाता है, अर्धवृत्ताकार घेरे में यह वालरा जो नृत्य है ये किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है, तो ये कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ग्रास्य जनजाति का वालरा जो नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें पुरुष अपने हाथ में क्या लेकर करते हैं, छाता व तलवार लेकर नृत्य करते हैं। तो किस लोक नृत्य में पुरुष अपने हाथ में तलवार व छाता लेकर नृत्य करते हैं, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वालरा जो नृत्य है पुरुषों के पुरुष अपने हाथ में छाता व तलवार लेकर ये नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करें हम मादल नृत्य। मादल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? ये स्त्री प्रधान प्रकार का नृत्य है और मादल नृत्य में कौन से प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो मादल प्रकार के वाद्य यंत्र का ही क्या किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे चर्चा करें मौर्या नृत्य। मौर्या नृत्य किस प्रकार से किया जाता है? मौर्य नृत्य जो ग्रास या जनजाति के लोग होते हैं युवा के अवसर पर अपने गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, उस समय यह नृत्य करने का काम करते हैं। तो मौर्या नृत्य कब करते हैं ग्रास जनजाति के लोग? जब विवाह होता है तो उस समय गणपति जी की मूर्ति की स्थापना जब करनी होती है उस समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एकमात्र क्या है, ये नृत्य है। तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ये तो पुरुष प्रधान नृत्य हो गया। और कब किया जाएगा? गणपति के अवसर पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी किया करो और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखा करो। ठीक है दोस्तों, ये मैं बार बार आपको शुरुआत में क्लासों में नहीं बोलता हूँ कभी भी, अभी आप देखना बहुत कम कर दिया, तो थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइब किया करो जिससे हमारा भी क्या हो मोटिवेशन बढ़ सके। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले फिर हम और आगे की क्लास आगे के नृत्य के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे और हम ग्रास्य जनजाति के नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रास्य जनजाति का अगला कौन सा नृत्य है के बारे में चर्चा करेंगे हम, लूर नृत्य। लूर नृत्य कब किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है ग्रास्य जनजाति का नृत्य? तो लूर नृत्य महिलाओं द्वारा रिश्ता मांग करते समय यह किया जाता है। तो लूर नृत्य कब किया जाता है? महिलाओं द्वारा रिश्ता मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। जो ग्रास्य जनजाति की महिलाएं होती हैं ये इसे करने का काम करती हैं। कब करती हैं? जब ये अपने रिश्ता मांगने जाते हैं तब ये नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लूर गोत्र की स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है और घूमर के रूप में ही किया जाता है। तो दोस्तों लिखो, महिलाओं द्वारा रिश्ता मांगते समय किया जाने वाला नृत्य आपसे पूछ लिया जाए, ग्रास्य जनजाति की स्त्रियां जब रिश्ता मांगने जाती है तो कौन सा नृत्य करती हैं? तो कौन सा नृत्य करती हैं? लूर नृत्य करने का काम करती हैं और यह नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लिखो दोस्तों, यह नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है एक तो दोस्तों आपको ये जो भी मैं नृत्य लिखवा रहा हूँ ये आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि लूर नाम आ जाए तो कौन सी जनजाति का नृत्य है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्वालरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, लूर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, मादल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, इस प्रकार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके अंदर जाता ही नहीं है कई बार। तो डायरेक्ट भी आपको ये याद रहना चाहिए, ये ग्रास्य जनजाति के नृत्य हैं, ये भील जनजाति के नृत्य हैं, ये कथौड़ी जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं, सहरिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से, इस प्रकार से भी आपको ये सारणी बनाकर आप याद कर लेना। इस जो भी क्या तो मैं थ्योरी के रूप में दिखा रहा हूँ, जब आप अलग से याद करो ना तब इसकी अलग अलग ग्रास्य सहरिया कथौड़ी भील इसी प्रकार से जनजातियों के नाम लिखकर उसके नीचे जितने भी जो नृत्य होते हैं जिस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं उसकी एक सारणी बना लेना आप। ठीक है दोस्तों, नृत्य तो मैं सभी थ्योरी के साथ आपको लिखा ही रहा हूँ तो आप इससे सारणी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसे क्या कहते हैं, ये किस प्रकार किया जाता है, यह घूमर नृत्य की तरह ही समान होता है। तो किस नृत्य समान होता है? घूमर नृत्य के रूप में यह किया जाता है। तो यह देखो दोस्तों, यह घूमर नृत्य के रूप में किया जाता है, घूमर नृत्य के रूप में किया जाता है तो घूमर नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य किया जाता है आपसे पूछ लिया जाए, तो लूर नृत्य जो है वो घूमर नृत्य के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करें कूद नृत्य। कूद नृत्य किस जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाए यह बिना वाद्य यंत्र के केवल गीत व तालियों की सहायता से किया जाता है और युगल प्रधान नृत्य है। पहली बात तो लिखो,
यह है नृत्य युगल प्रधान है, यह है युगल प्रधान नृत्य है, यह युगल प्रधान नृत्य है। और एक मैंने बताया था कि ये बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से, एक तो वाजरा और दूसरा कूद नृत्य। इसके अलावा कोई भी जो नृत्य है वो बिना वाद्य यंत्र के नहीं किया जाता है। आपको बता दूं दो ही नृत्य है, वाजरा और कूद नृत्य। तो आगे लिखो यह है बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, यह है बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, वाद्य यंत्र के किया जाता है, किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य है, वाला नृत्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला दूसरा नृत्य कौन सा है, तो कूद नृत्य। पहला नृत्य हमने कौन सा पढ़ा था, वालरा नृत्य पढ़ा था। केवल गीत व तालियों की सहायता से यह नृत्य किया जाता है, केवल गीत व तालियों की सहायता से किया जाता है, केवल गीत व तालियों की सहायता से, तालियों की सहायता से किया जाता है, सहायता से किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करें तो यह किस प्रकार का नृत्य है, यह मस्ती भरा हुआ उछल कूद वाला नृत्य है। तो यह नृत्य मस्ती भरा वह उछल कूद वाला नृत्य है, उछल कूद वाला नृत्य है, वाला नृत्य है। इसीलिए इसे कौन सा नृत्य कहते हैं, मस्ती भरा हुआ उछल कूद नृत्य, इसीलिए कहते हैं इसे। उछल कूद ज्यादा करते हैं लोग इसमें, तो इसे उछल कूद वाला व मस्ती भरा नृत्य भी कहा जाता है। ये किसके साथ किया जाता है, गीत व तालियों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य है, इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ग्रासी जनजाति के द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तो लिखो दोस्तों ये कब किया जाता है, इसके बारे में लिखते हैं, यह है गणगौर के अवसर पर किया जाता है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है, अवसर पर किया जाता है। किस प्रकार का नृत्य है ये, तो ये भी लिख लो, यह युगल प्रधान नृत्य है, यह युगल प्रधान नृत्य है, युगल प्रधान नृत्य है। स्त्री व पुरुष मिलकर इस नृत्य को करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, स्त्री व पुरुष मिलकर गैर नृत्य। ठीक है दोस्तों, ये कब किया जाता है, तो ये गैर माता की सवारी के अवसर पर किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, यह है गैर माता की सवारी के अवसर पर, की सवारी के अवसर पर, के अवसर पर किया जाता है, पर किया जाता है। गैर माता की सवारी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो गैर नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और ये किसका मेला कब बढ़ता है, आपसे पूछ लिया जाए तो मेला कहाँ बढ़ता है, सियावा सिरोही में बढ़ता है। इस गैर माता का मेला कहाँ बढ़ता है, मेला आपसे पूछ लिया जाता है, मेला तो सियावा सिरोही, सियावा कहाँ पड़ता है कोष्टक में लिख लेना, सिरोही। तो अभी हमने तीन नृत्य कौन कौन से पढ़े हैं, ग्रासी जनजाति के, एक तो लूर नृत्य किस समय किया जाता है, महिलाओं द्वारा रिश्ता मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, यह नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है, लूर नृत्य। ठीक है, किस प्रकार का नृत्य है, यह घूमर की तरह किया जाने वाला नृत्य है, राजस्थान का नृत्य की आत्मा किसे कहा जाता है, घूमर नृत्य को कहा जाता है, उसी के समान ये कौन सा नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य। कई बार क्वेश्चन आता है कि घूमर नृत्य के समान कौन सा नृत्य है, तो लूर नृत्य घूमर नृत्य के समान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसके मोस्ट लगा लेना,
घुमर नृत्य के समान कौन सा नृत्य है, तो लूर नृत्य, और किस जनजाति का है, ग्रासिया जनजाति का। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कूद नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, युगल प्रधान नृत्य है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा, लूर नृत्य है। और आगे बात करते हैं केवल गीत व तालियों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य है, तो गीत व तालियों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, लूर नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार का नृत्य है, यह नृत्य मस्ती भरा हुआ उछल कूद वाला नृत्य है, मस्ती भरा हुआ उछल कूद वाला नृत्य कौन सा है, तो कूद नृत्य है। आगे बात करते हैं गेर नृत्य, गेर नृत्य कब किया जाता है, तो गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला तो यह नृत्य है, कौन सा, गेर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, यह युगल प्रधान प्रकार का क्या है, नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें स्त्री व पुरुष मिलकर साथ में नृत्य करती है, ये गैर माता की सवारी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, तो गैर नृत्य कब किया जाता है, गैर माता की सवारी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, गैर नृत्य है। और ये इसका मेला कहाँ पड़ता है, तो शियावा, शियावा कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है, सिरोही में इसका क्या पड़ता है, गैर माता का मेला बनने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे ग्रासिया जनजाति के बचे हुए तीन जो और नृत्य है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ग्रासिया जनजाति के और तीन जो नृत्य बचे हुए हैं उसके बारे में चर्चा ही करते हैं। तो ग्रासिया जनजाति का और अगला नृत्य कौन सा, ज्वारा नृत्य है। ज्वारा नृत्य कब किया जाता है, होली दहन से पूर्व सामूहिक रूप से किया जाने वाला ये नृत्य है, किसका, ग्रासिया जनजाति का, होली दहन से पूर्व सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। ये नृत्य किस प्रकार से किया जाता है, गेहूं की बालियों को हाथ में लेकर यह नृत्य किया जाता है। तो लिखो दोस्तों इसे, यह नृत्य होली दहन से पूर्व सामूहिक रूप से ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, सामूहिक रूप से ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है, आपसे प्रकार पूछ लिया जाए तो किस प्रकार से किया जाता है, यह गेहूं की बालियों को हाथ में लेकर यह नृत्य किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, गेहूं की बालियों को हाथ में लेकर यह नृत्य किया जाता है। तो गेहूं की बालियों को हाथ में लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा नृत्य किया जाता है, ज्वारा नृत्य किया जाता है। और किस अवसर पे किया जाता है, होली दहन से पूर्व सामूहिक रूप से ग्रासिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चाएं करते हैं। दोस्तों अगले नृत्य के बारे में हम चर्चाएं करते हैं, कौन सा नृत्य है, गरवा नृत्य। गरवा नृत्य कब किया जाता है, गरवा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है और ग्रासिया जनजाति के अत्यंत मोहक होने पर यह नृत्य किया जाता है। तो यह स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और ये क्या है, यह ग्रासियों का अत्यंत मनमोहक नृत्य है, यह ग्रासियों का अत्यंत मनमोहक नृत्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए ग्रासियों का अत्यंत मनमोहक नृत्य कौन सा है, तो गरुआ नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ग्रासियों का अगला नृत्य कौन सा है, रायण नृत्य। रायण नृत्य कब और किस समय किया जाता है, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें क्या किया जाता है, पुरुष स्त्री का वेश धारण करके यह नृत्य करते हैं। तो लिखो दोस्तों, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें पुरुष क्या करते हैं, स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो इस नृत्य में लिखो दोस्तों, इस नृत्य में
नृत्य में पुरुष स्त्री का स्त्री की वेशभूषा वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं, धारण करके नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। तो स्त्री की वेशभूषा धारण करके कौन वेशभूषा धारण करके जो पुरुष नृत्य करते हैं उसे कौन सा करते हैं, राय नृत्य करते हैं। और किस जनजाति में किया जाता है, ग्रासी जनजाति में किया जाने वाला यह नृत्य। तो हमने अभी तीन नृत्य और कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो ज्वारा नृत्य पढ़ा। ज्वारा नृत्य कब किया जाता है, होली दहन से पूर्व सामूहिक रूप से ग्रासी जनजाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें गेहूं की जो बालियां होती है उसको हाथ में लेकर यह नृत्य करते हैं, कौन सा नृत्य, ज्वारा नृत्य। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गरवा नृत्य। गरवा नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ग्रासियों का अत्यंत मनमोहक नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है, कौन सा नृत्य को, गरवा नृत्य को, और ग्रासी जनजाति का अत्यंत मनमोहक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रायण नृत्य। रायण नृत्य कब किया जाता है, यह पुरुष प्रधान प्रकार का क्या है नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्री की वेशभूषा धारण करके यह नृत्य किया जाता है। रायण नृत्य किसका है, ग्रासिया जनजाति का है, ग्रासिया जनजाति का यह नृत्य है। और क्या किया जाता है, स्त्री की वेशभूषा धारण करके यह नृत्य किया जाता है, रायण नृत्य। आपसे कई बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, सीधा ही पूछा जाता है कि रायण नृत्य का संबंध किस जनजाति से संबंधित है। तो नोट लगा लेना, रायण जनजाति का संबंध ग्रास्य जनजाति से है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में हम ग्रास्य जनजाति के संपूर्ण जो नृत्य थे उसके बारे में पढ़ लिया है। अब अगली और कोई जनजाति के बारे में, नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। हमने कैथोड़ी जनजाति के भी नृत्य पूरे कर लिए हैं, इसी प्रकार हम और जनजातियों के नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया करो, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाले बढ़ती हुई नोटिफिकेशन हुआ इस कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।